सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोगों को प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप आप सभी लोग का इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया जा चुका होगा। अब आने वाला है तुम्हारा फिजिक्स का पेपर, जो रहने वाला है वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग के दिल दिमाग में ही इसके लिए एक चीज कीड़ा बैठा रहता है कि बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हारे जितने भी भ्रम है उन सबको तोड़ने आया हूं। साथ में मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान के साथ साथ ये भी बताने आया हूं कि आप लोग के लिए मैं पूरे के पूरे इस गैप में फिजिक्स के क्या क्या कंटेंट आप लोग के लिए लाने वाला हूं, जिसमें कि आप लोग की प्रिपरेशन तगड़ी सी तगड़ी हो सकती है। सो वीडियो को आखिर तक के देखना। मोटिवेशन के साथ साथ आप लोग को यहां पे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं प्रोवाइड करूंगा, साथ में एक बेस्ट प्लान प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि टर्म टू में तुम लोग तगड़े मार्क्स ला सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोग का इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। बहुत सारे एजुकेटर्स ने आप लोग की बहुत हेल्प करा है, बहुत अच्छा लगा देखकर। उसी तरीके से अब मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी यार अपने तरफ से आप लोग के लिए उतनी ही मेहनत करके बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूं। मैंने आप लोग के लिए पहली चीज तो ये कि इस चैनल पे आप लोग को गैप मतलब फिजिक्स के पेपर के एक दिन पहले तक के तुम्हारे लिए भरपूर कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, जो टर्म टू में तुमको फिजिक्स में तगड़ा कॉन्सेप्ट दिलवा देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पे आप लोग की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सब कुछ मैं कवर अप करवाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़कर बैठ चुके हो तो आपको क्या करना है, देखो एक चीज समझो। जो भी नोट्स आप लोग के पास थे उसको आप लोग को रिवाइज करते हुए चलना है। साथ ही साथ जब भी पढ़े हो आप लोगों ने, टाइम हो चुका है, काफी लॉन्ग गैप हो चुका है, इस बीच में आप लोग को अब रिवाइज करना है वन शॉट वीडियोस के थ्रू। मैं उन लोग के लिए भी वन शॉट रिकमेंड कर रहा हूं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि अब इसके बाद टाइम नहीं है कि तुम डिस्क्रिप्टिव पढ़ सको। वन शॉट वीडियोस देखो, उस पर रिलाय करो, कॉन्सेप्ट को समझो और आगे बढ़ो। जिनने पहले से पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, एक और बार चेकआउट करो कि कहां पे गलतियां हो रही है, और उस वन शॉट के थ्रू सीखने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि भैया यार आपने वन शॉट डाले हो क्या? जी हाँ, मैंने आप लोग के लिए पूरी की पूरी फिजिक्स की एक सीरीज लाया हूं, आई बटन पे आ गई होंगी, जहां पे आप लोग को चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। वन शॉट वीडियो से बहुत प्रिसाइज और एकदम इजीएस्ट वे में कवर अप करवाया हूं, जहां पे टर्म टू के पर्सपेक्टिव से सभी चीजें हैं, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वो पूरे के पूरे टॉपिक तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे। तो वो वीडियोस को जाओ और एक एक वीडियोस को जाकर देख डालो। अब ये मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करना चाहता कि मेरे बहुत ही एकदम धांसू वाले लेक्चर्स हैं। हाँ जी, मैंने अपने तरफ से मेहनत किया और अच्छा कंटेंट लाया, बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां से कवर अप करना है, लेकिन वन शॉट के थ्रू अपने टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करो। कोई अगर आपको कहता है कि अरे आपके पास तो बहुत टाइम है अभी, अब आप ये डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देखो, तो वो सब फालतू ज्ञानबाजी में मत पढ़ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से आप लोग को प्रिपेयर कराना है। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स, 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आइडिया है। फिजिक्स इस टाइम पहली बार यूट्यूब में डाला हूं, इसलिए काफी सारे लोगों को मालूम नहीं था, बट मैं बताना चाहता हूं लगभग 2 साल से मैं वहां पे 10 मिलियन से ज्यादा का वॉच टाइम गेन करके काफी सारे स्टूडेंट्स को कवर अप करा चुका हूं फिजिक्स। तो आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो, और साथ में उन सभी के सभी वन शॉट वीडियोस को आप लोग कवर अप कर डालो। उसमें से जो चैप्टर छूट चुका है, ये मैं गारंटी देता हूं कि वो वन शॉट आप लोग का कवर अप करवा के दे दूंगा मैं जल्द से जल्द। तो जल्दी से जाओ वन शॉट के थ्रू अपना रिवीजन करो। अगली चीज, नोट्स के पीछे तुम लोग इतने ज्यादा बेकाबू हो कि अरे भैया हमको नोट्स नहीं मिल पाए, अरे भैया उनके नोट्स अच्छे, अरे मेरे दोस्त जिसके साथ पढ़ रहे थे उसके नोट्स पे रिलाय करो ना। अगर यार जिसके साथ तुम लोग पढ़ रहे थे उसी के साथ तुम लॉयल नहीं हो, उसके नोट्स को तुम बिलीव नहीं कर रहे, तो खाक तुम टर्म टू में अच्छे नंबर लाओगे? चुपचाप से नोट्स के चंगुल में मत फंसो, एक नोट्स को रखो, खत्म कहानी, और उस नोट्स को जितने ज्यादा हो सके उतने बार रिवाइज करने की कोशिश करो, कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना टर्म टू में क्वेश्चंस बनने वाले 2 नंबर और 3 नंबर के, 5 नंबर का जो केस स्टडी उसको अभी साइड में रखो, लेकिन ये 2 नंबर और 3 नंबर में आपको गेन करना है अपने मार्क्स। छोटे क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में बीच बीच में छोटे मोटे न्यूमेरिकल दे देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना बेस बनाने की कोशिश करो और जितना हो सके रिवीजन करो, क्योंकि अगर रिवीजन तगड़ा रहेगा तो आपको सक्सेस आराम से मिलेगी। अगली चीज, काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि भैया यार आपने जो यूट्यूब में वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया वो मीम के साथ है, हम मीम के साथ कैसे पढ़े, मीम के साथ तो पढ़ाई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, अगर आप सीरियस होकर ही जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में हर टाइम सीरियस नहीं होना चाहिए। फिजिक्स वैसे ही टफ पेपर है, उसमें थोड़ी सी हंसी मजाक कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी हंसी मजाक के चक्कर में किसी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जा रहा है तो उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ना वो। ये पहली बार जिंदगी में यूट्यूब में कॉन्टेंट लेकर आया किसी ने जो मीम के साथ, और इंशाल्लाह ताला वो आगे जाके देखना और ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो यार देखो, मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया वो पूरे के पूरे मीम के साथ, और वहां पे
ऐसी कोई फालतू चीजें नहीं है जिससे कि थ्रू आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सको। एक एक चीज को डिटेल में समझाया हूं जिससे कि आप लोग का टाइम पे टॉपिक कवर अप हो सके। अगली चीज भैया हमको मीम के साथ नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आप लोग के लिए हो सके तो 2 दिन बाद आप लोग के लिए कंपाइल वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरा का पूरा एंटायर फिजिक्स का एक वीडियो रहेगा। तो एक मीम के साथ, जिनको मीम के साथ पढ़ना वो पढ़ लेना, जिसको मीम के साथ नहीं पढ़ना, हम तो सीरियस वाले भैया, तो सीरियस वालों के लिए विदाउट मीम वाला एक वीडियो डालूंगा। तो परसों के दिन 2 वीडियो लॉन्च कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जाके आप लोग कंप्लीट वीडियो भी देख पाओगे। अदरवाइज सिंगल वीडियो देखना तो उसके थ्रू भी आप लोग कवर अप कर सकते हो। अगली चीज, अगर आपका रिविजन हो चुका है, वन शॉट हो चुका है, तो क्या करना है? आपको इतना वेट नहीं करना है कि मैं वन शॉट करूंगा उसके बाद कुछ और करूंगा, ऐसा नहीं है। वन शॉट करो, उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है, उससे रिवाइज लगा लो। अब इसमें मत पढ़ रखा और कह रहे हो फलाना कंपनी अच्छी है, वो ढिमका कंपनी। भाई ये चीज समझो, पिछले साल के 5 साल के क्वेश्चन तो वो इन्हीं ने छाप के रखे ना, अलग अलग बुक के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो आप लोग की मर्जी, जो कंपनी लेना है ले लो, चॉइस आपकी है, लेकिन प्रिपरेशन करो कि ईएमएस का टॉपिक को पूरा का पूरा समझे, उसके पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए। हाँ मैं जानता हूँ कि प्रीवियस ईयर में बड़े क्वेश्चंस भी आते थे जो तुम्हारे सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि 2 और 3 नंबर के अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो ज्यादा फोकस प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चंस पे करना जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पे लास्ट ईयर आए हैं। और ये मैं गारंटी भी देता हूँ तुम लोगों के चैनल पे रेगुलर तुम लोग के लिए पूरे की पूरी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक के 4 दिन के अंदर तुम्हारे लिए लाइव सेशन लेकर तुम लोग के लिए आ रहा हूं 2 सीरीज लेकर। एक का नाम है मिशन 20 सीरीज, जिसमें कंप्लीट रिवीजन करवा के दूंगा चैप्टर वाइज। उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में कवरअप करवाने वाला हूं। 2 बजे से रेगुलर क्लास रहेगी, मिस मत करना। 1 घंटे का सेशन रहेगा, बहुत वैल्यूएबल रहेगा तुम्हारे लिए। इसी के साथ साथ जैसे कि यार भैया आपने यार रिवीजन तो करवा दिए, अब यार प्रैक्टिस भी तो करवा दो, तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो भी ऐसे मुझे लगते हैं कि और ऐसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं आप लोग के टर्म 2 के लिए, उन सब की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी मैं उसी दिन करवा दूंगा। मतलब क्या, 15 तारीख से 18 तारीख के लिए सीबीएसई क्रश सीरीज। मतलब क्या, इतना सीरियस होने के बाद सीबीएसई क्रश, मतलब जो क्रश रहती है ना, मतलब सीबीएसई के लिए क्रश, मतलब हमेशा उसके लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आते रहते हैं, तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक के 7:15 लाइव सेशन में। सभी के सभी क्लास फ्री रहेगी, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है, आखिरी तक बना हुआ है, 19 की रात तक तुम्हारे साथ हूं। लेकिन भरोसा रख कर अपनी प्रिपरेशन करो। सारी क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इनविटेशन कोड मांगता है तो भाई का नाम लिख देना, उतना ही काफी है। ZAKI जकी लिख दोगे, सारी क्लास अनलॉक हो जाएगी, पूरी की पूरी क्लास फ्री है। 2 बजे और 7:15 में 2 सेशन आप लोग के लिए मैं करवाने वाला हूँ दिन के 2। साथ में यूट्यूब के मेरे इस चैनल पे भी आप लोग के लिए डेली एक सैंपल पेपर भी एनालाइज करवा दूंगा आप लोग को, जो स्टार्ट होगा कल से। एक एक सैंपल पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम के आते तक के हम लोग यार सारे के सारे सैंपल पेपर कर ले सॉल्व। और सबसे पहला सैंपल पेपर वो करेंगे जो सीबीएसई ने दिया था, उसको एनालाइज करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। और उसके लिए क्लास रहेगी आप लोग के लिए रेगुलर 9 बजे। तो 9 बजे रात को हम लोग सैंपल पेपर की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। साथ में बहुत सारे वीडियोस तुम लोग के लिए लाने वाला हूं कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना, खुद से लिखकर दिखाऊंगा कि ऐसे तुमको डेरिवेशन लिखकर आना, ऐसे तुम लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन लिखकर आना, 3 नंबर के लिए लिखकर आना। और तुम लोगों को कोई सजेशन लगती तो वो भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यार तुम लोग के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूं आज से लेकर तुम्हारे लिए 19 तारीख तक बैठा हूं। तुम लोग एक एक चीज कमेंट बॉक्स में डालो, मैं सबकी जेन्युइन पढ़ूंगा। भरोसा रखो भाई तुम्हारे साथ है, एक एक चीज कवर अप करा के दूंगा। याद रखो, तुमको अगर डर लग रहा है फिजिक्स के लिए तो डरो मत दोस्त। याद रखो जितने पेपर दे रहे हैं सबके सब डरे हुए। तुमको क्या लगता है टॉप करने वाले कौन होते? वही लोग हैं जो डरे हुए हैं अभी। याद रखना टॉपर की भी अभी फटी पड़ी रहती है। तो याद रखो आगे वही बढ़ेगा, बेस्ट नंबर वही लेकर आएगा जो अपने कॉन्टेंट पे अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखेगा। ऐसे दोस्तों से इस टाइम तो दूर ही हो जाना जो एकदम यार मनुष्यत की शक्ल वाले लोग हैं, जो आएंगे आपको ज्ञान झाड़ेंगे कि अरे मेरा तो हो नहीं पा रहा है, अरे ये नहीं हो पा रहा। आपका भले ही हो रहा हो लेकिन उसका सुनकर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, भाग जाए ऐसे दोस्त। दूसरी चीज, अगर आपकी बंदी या बंदा आपको परेशान कर रहा है, रियलिटी बोल रहा हूं, तो चुपचाप से उसको टाटा बाय बाय गुड बाय गया कर दो और उसको बोल दो भाई मेरा पेपर है अभी, फिजिक्स का पेपर है, आप हो सके तो चले जाए, मुझे माफ कर। और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उसके चक्कर में, उसको मनाने के चक्कर में 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। अरे आज तो पढ़ाई के चक्कर में तुमने बात ही नहीं करे, भाड़ में जाओ तुम, उसको साइड रखो, उस टाइम को यूटिलाइज करो और पढ़ाई करो। बचे हुए मुश्किल से दिन, रात दिन पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए, लेकिन 6 घंटे की अच्छी नींद सभी लोग को लेना है, ठीक है ना यार। 6 घंटे नींद लो, सुबह जल्दी उठो और प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती उतनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। समझ में आया दोस्त? मैं आप लोग के साथ आखिरी तक बना हुआ, ये गारंटी देता हूं तुम लोग के लिए।
रेगुलर इतना कंटेंट लाकर दूंगा कि आप लोग खुश हो जाओगे और गारंटी है कि आप लोग बहुत तगड़े मार्क्स लेकर आने वाले हो। साथ ही साथ 19 तारीख को पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा लाइव आकर अपने चैनल पे भी, और साथ में आप लोग के लिए और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा यार। डरो मत, भरोसा रखो। फॉर्मूला शीट चाहिए थी तुम लोग को, फॉर्मूला शीट भी दिलवा दूंगा। चीट नोट्स चाहिए थे तुम लोग को, वो सब भी दिलवा दूंगा। और क्या क्या होना तुम लोग को, सब कुछ मिल जाएगा यार। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। सबसे पहले वन शॉट कवर अप कर लो, एटलीस्ट तुम्हारे पास बेस बना रहे। उसके बाद जो मैं 15 तारीख से रिवीजन कराऊंगा तो उस टाइम पे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोग को, ये गारंटी देता हूं। याद रखना, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई भी टॉप नहीं कर लेता है। कामयाब व्यक्ति की लोगों को सिर्फ चमक ही दिखाई देती है, उसके पीछे की जो उसकी पढ़ाई मेहनत स्ट्रगल था वो कोई नहीं जानता। तो अभी तुम्हारा टाइम है स्ट्रगल का। जितना हो सकते पढ़ो, उतना ज्यादा अपने ऊपर पे भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। और याद रखो, वो पेरेंट्स हैं जो तुम्हारे लिए ख्वाब देखकर बैठे हुए हैं, उनके ख्वाबों को पूरा करना है। तो उस ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। वो ही एक सच्चा प्यार है, उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दो इन कुछ दिनों के अंदर, और बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करो। कोई दिक्कत आती है, टेलीग्राम का ग्रुप नीचे है, जाओ और ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम का चैनल की आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप लोग के लिए, वहां से ज्वाइन कर लेना। जितने भी सेशंस होंगे, जो जो क्लासेस लेने वाला हूं, सबकी अपडेट मिल जाएगी। मुझसे बात करना चाहते हो, प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल बात करो, लेकिन डरना नहीं, उल्टी सीधी हरकत नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। पूरा का पूरा दिन इसी में बर्बाद नहीं करना है कि अरे मेरा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अरे मेरा तो स्ट्रेस लेवल हो रहा है, अरे मैं कैसे करूं, अबे क्या कैसे करूं, पढ़ने बैठो चुपचाप से, सब कुछ तो तुमको सोर्स अवेलेबल है, ऐसा तो कुछ है कि नहीं तुमको अवेलेबल। तो यार चुपचाप से पढ़ो, ये सोचने से बेहतर है कि यार मेरा होगा नहीं होगा, कैसे करूंगा, टफ सब्जेक्ट है, तो भाई जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बचे हुए मुश्किल से दिन, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो अभी आप ठान लो कि यार मैं आज से प्रॉमिस करता हूं कि भैया मैं रेगुलर पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, जो प्रैक्टिस कर रहा हूं उस पर भरोसा रखूंगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कवर अप करना चाहते, बोलो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गारंटी देता हूं एक भाई होने के नाते कि बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, ये गारंटी देता हूं कि तुम लोग के लिए 19 तारीख तक की इतनी मेहनत करके दूंगा, इतनी मेहनत करके दूंगा कि तुम लोग पक्का मुझ पर बिलीव करोगे भैया नहीं आपने पूरी मेहनत करे थे। और उस मेहनत को देखकर हम भी उतनी ही मेहनत करेंगे जितना आपने किया, उससे डबल मेहनत करने की कोशिश करेंगे और टर्म टू में तगड़े मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। देखो मैं जानता हूं कि फिजिक्स का पेपर टफ होता है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जो टफ है, लेकिन डरो मत, इतना भी टफ नहीं है जो टर्म वन का सिलेबस था। टर्म टू का सिलेबस थोड़ा इजी है तुम्हारे लिए। यहाँ पे थ्योरी चैप्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऐसे चैप्टर जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, डुअल नेचर हो, ईएम वेव हो, एटम न्यूक्लियर हो, यहाँ से मैक्सिमम थ्योरी कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल कहां से बनेगा ज्यादातर, तो वो बन सकता है आप लोग का कहां से, तो वो बनेगा आप लोग का रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से, और जो छोटे मोटे आप लोग के फॉर्मूले के बेसिस पे कहीं कहीं से न्यूमेरिकल बन सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखो, ऐसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जो देखकर लगते हैं कि 2 नंबर और 3 नंबर में आएंगे, बड़े न्यूमेरिकल मत करना। और देखो एक चीज समझो, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जो किसी से नहीं बनते, तो उसको देखकर डीमोटिवेट नहीं होना एग्जाम के टाइम। अपने ऊपर भरोसा रखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सबसे बनेंगे, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा किसकी कितनी नॉलेज है उसके ऊपर। डरो मत दोस्तों, टर्म वन का पेपर भले ही तुम्हारा खराब गया हो या भले ही एवरेज गया हो, लेकिन टर्म टू में तुमको फोल्ड कराना है। भले ही उस टाइम पे तुम यार फेलियर को झेले होंगे, लेकिन इस टाइम पे आपको फेलियर नहीं करना। जिंदगी में एक चीज याद रखो, जो भी तुम्हारी गलतियां हो उन सब से सीखने की कोशिश करो। तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो, परखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के इस मैदान को मत छोड़कर भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिगर जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो बेस्ट ऑफ लक।